नमस्कार दोस्तों दोस्तों दिल्ली के अंजलि केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। खुद अमित शाह इस केस को देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब है अमित शाह के संज्ञान में ये केस आ चुका है। गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी की, एक जो कह सकते हैं कि दिल्ली के DCP है उसको भेजा गया, इसके ऊपर कार्रवाई करने को कहा गया। क्या कुछ भेजा गया है अमित शाह की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई की गई है लेटर आने के बाद, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली के कमिश्नर को और बताया है इस केस के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या हुआ है अभी तक, ये भी जो कह सकते हैं एक संज्ञान लिया गया है। और इसमें जब लेटर भेजा गया है उसके बाद ही दिल्ली पुलिस के तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। एक्शन था 11 पुलिसकर्मी को निलंबन किया गया। जी हाँ दोस्तों, 11 पुलिस को जो कह सकते हैं सस्पेंड किया गया। लेकिन इस सस्पेंशन से अंजलि के परिवार खुश नहीं है। उनकी साफ साफ एक जो कह सकते हैं कि एक इच्छा है कि जो भी अपराधी हैं, जो लोग भी पकड़े हैं, जो भी अपराधी हैं, उन सभी को फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। इस तरह से साफ साफ शुरू से ही अंजलि के परिवार ये लगातार अपील कर रही है सरकार को और पुलिस को कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन सभी आरोपी को जो है कम से कम फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। लेकिन इस केस में अब ऐसा लग रहा है कि इस केस को बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा और बहुत ही जल्द जो है अदालत में पेश करके इस केस की फैसला होने वाला है, क्योंकि अब ये जो केस है वो गृह मंत्रालय के नज़र में आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। जो भी होगा पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।